हेलो, मैं विनोद चौहान, मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत में यत्न या प्रयत्न। यत्न या प्रयत्न यूपी टेट, राजस्थान टेट, सी टेट और राजस्थान में वर्तमान रीट के लिए और द्वितीय श्रेणी अध्यापक तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक तथा प्रथम श्रेणी अध्यापक सबके लिए उपयुक्त हैं। संस्कृत में जो संस्कृत के जो छात्र हैं उन सबके लिए ये आज हमारा टॉपिक सर्वश्रेष्ठ है। इस टॉपिक में से निश्चित रूप से दो प्रश्न अवश्य आते हैं, तो आज हम पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण में दिया था। सबसे पहले क्या यत्न किसे कहते हैं? यत्न किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? परिभाषा वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में किए गए प्रयास ही यत्न या प्रयत्न कहलाते हैं। क्या है परिभाषा इसकी? की परिभाषा वर्णों के उच्चारण के लिए किए गए उपाय या प्रयास ही प्रयत्न कहलाते हैं। तो यत्न की परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या किसी भी वर्ण को हम बोलते हैं तो उस वर्ण के उच्चारण के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं मुख में, वह सारे क्या हैं? यत्न। तो वर्णों के उच्चारण के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयास ही प्रयत्न हैं। प्रयत्न को ही यत्न कहा जाता है। यत्न कतिधा, यत्न कितने, यत्न नीचे देखो इधर, मान लो प्रश्न देते इसमें कर देते तो तुम्हें बताना है कि यत्न द्विधा स्तर, द्विधा स्तर यत्न दो प्रकार के हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। सुनो, आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न उसे कहते हैं वर्णों के उच्चारण में किए गए उच्च, देखो वर्णों के उच्चारण से पहले जो मुख के अंदर आंतरिक प्रयास किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो यह होता है वर्णों के उच्चारण से पहले, और यह वर्णों के उच्चारण के बाद होते मुख में ही
देखो वर्णों के उच्चारण से पहले जो हमारे द्वारा प्रयास किए जाते हैं उस प्रयास को ही आंतरिक मतलब उस प्रयास को ही हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और वर्णों के उच्चारण के बाद हमारे द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वह बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5। और इनकी संख्या कितनी है? 11। ये है 5 और ये है 11। अब इनको ऐसे समझो, सबसे पहले लेते हैं अपन जिसे इस तरह समझ लो और अच्छा रहेगा, यत्न। आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आभ्यंतर कितने हैं? 5। बाह्य कितने हैं? 11। ये तो पंचम पंच और ये एकादश है। एकादश है ठीक, ये तो 11 बोलो, ये एकादश बोल दो, इसको यूं कर लो चाहो। ये समझ में आ गया वर्णों के उच्चारण के वर्णों के उच्चारण से पहले किए गए प्रयास, परिभाषा भी लिख लो इसकी, वर्णों के उच्चारण से पहले किए गए प्रयास या उपाय। और ये क्या हो जाएगा परिभाषा इसकी? वर्णों के उच्चारण के बाद किए गए प्रयास, ये पहले व बाद की अवस्था है। इनकी संख्या कितनी है? 5। उनकी संख्या कितनी है? 11। 5 कौन कौन सी है? सबसे पहला ले लें अपन, देखो सबसे पहला लेते हैं स्पृष्ट है, कौन सा ले लें? स्पृष्ट है, कौन सा लिया? स्पृष्ट है। अब स्पर्श में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? इनकी संख्या 25, कितनी है? 25 या पंचमी सभी, कौन कौन से? देखो कादियो मावसान है, कादियो मावसान है, मतलब कैसे आरंभ होकर म अवसान, अवसान में सोता अंत, मतलब कैसे लेकर के म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोच टो तो पो, ये उदित वर्ण है। को का मतलब क्या होगा? क वर्ण। चू का मतलब च वर्ण। टू का मतलब ट वर्ग। तो का मतलब त वर्ग। और पो का मतलब प वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता देखो, क ख ग घ ठीक, फिर च छ ज झ और य, फिर ट में ट ठ ट ढ, त थ द ध न प
में प प ब भ ब भ और म। तो ये कितने हुए, पांचों वर्गों के कितने हुए 25। कादियो म औसन है, याद रखो। स्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, इन वर्णों के उच्चारण में जीवा या जीव मुख के किसी ने किसी अव्यव को स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको इनका प्रयत्न क्या हुआ, स्पृष्ट। संस्कृत में इस तरह भी एक और है, वो भी उस तरह देखो। संस्कृत में या तो ये याद रखो या क्या याद रखो, स्पृष्ट स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शाना। क्या मतलब हुआ इसका, स्पर्श व्यंजनों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ठीक, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पढ़ते हैं, ईषद ईषद स्पृष्ट। स्पृष्ट मतलब स्पर्श करना, ईषद का अर्थ क्या होता है, कम स्पर्श करना। क्या परिभाषा हुई इसकी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा मुख के अवयव को कम स्पर्श करती है उन्हें ईषद स्पर्श कहते हैं। अब इसको याद रखो, इनकी संख्या है 4। क्या इनमें कौन से आ सकते हैं, ईषद ईषद स्पृष्ट ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। क्या मतलब हुआ, ईषद स्पृष्ट अंतस्तों अंतस्थ व्यंजनों का होता है या अंतस्तों का होता है। अंतस्थ में क्या आता है, यह व र और ल, यह व र ल। ठीक, फिर तीसरा आता है कौन सा, ईषद विप्रत ईषद विप्रत। विप्रत का अर्थ होता है खुला रहना। क्या अर्थ होता है, ईषद का अर्थ है कम या थोड़ा, इसका भी कम, और विप्रत का अर्थ क्या होता है, खुला। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में, ये यहां लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए, ये रे ले वो है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, ईषद विप्रत कहते हैं। कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, देखो इनकी भी संख्या 4 ही, जैसे ये 4 जैसे ये 4। सूत्र है इसका संस्कृत सूत्र, ईषद ईषद ये अलग अलग एक साथ लिख दे, देखो तय का दे हो गया। फिर ईषद विप्रतम ऊष्माणाम, क्या होता है ऊष्माणाम, ईषद विप्रत प्रयत्न में ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, स स स और ह, स स स ह। चौथा अपने आता है, पहले इधर समझ लें, चौथा विप्रत। विप्रत में क्या क्या आता है, विप्रत का अर्थ होता है पूरा खुला,
विवृत का अर्थ होता खुला, मतलब पूर्ण रूप से खुलना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, मतलब पूर्ण रूप से खुल जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विवृत स्वर। विवृत स्वराणाम इनकी संख्या कितनी है? वैसे माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनकी संख्या 9 और वर्णमाला में 13 सभी स्वर। तो विव्रत का अर्थ समझाया, विव्रत का अर्थ होता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं, उन्हें विव्रत प्रयत्न कहते हैं। सॉरी, अब इसके अंतर्गत क्या आता है? विव्रत, विव्रत तन स्वराणाम क्या आता है इसमें? स्वराणाम, विव्रत प्रयत्न स्वरों का होता है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो स्वर कौन कौन से होते हैं, मुख्य स्वर कितने हैं संस्कृत में? 5। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और ली। ये क्या है? मुख्य स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? 8 हैं। कौन कौन से? ऐसे लेकर के 16। देखो कितने आ जाएंगे? 13 ही आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 13। दीर्घ स्वर सहित, दीर्घ स्वर सहित करो इसको, दीर्घ स्वर सहित कितने हो जाएंगे? 13। ठीक, मुख्य स्वर या मूल स्वर पूछे तो 5, फिर दीर्घ पुलुत सहित, दीर्घ पुलुत स्वर मतलब सारे पूछे तो मुख्य या मूल दीर्घ पुलुत मिलाकर कितने हैं? 22। कितने हैं? 22। तो तुम्हें इससे पहले वाले जो था उसमें बताया था मैंने कि स्वरों की संख्या 22 होती है। अब तो चौथा प्रयत्न अपना आभ्यंतर प्रयत्न का चौथा प्रयत्न कौन सा है? विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है खुला होना और इसमें क्या आता है? सभी स्वर। संस्कृत में याद रखो तो और अच्छी बात है, विव्रतम स्वराणाम मतलब विव्रत प्रयत्न स्वरों का होता है। अब एक प्रयत्न और आता है अपने आभ्यंतर प्रयत्न का, ये है कौन सा? संव्रतम, संव्रतम क्या होता है इसमें? ह्रस्व अकारस्य प्रयोगे संवर्तन क्या आता है इसमें? केवल अ आता है। क्या आता है इसमें? अ। क्या मतलब है इसका संस्कृत में? ह्रस्व अकारस्य प्रयोगे संवर्तन, ह्रस्व आकार के प्रयोग में संवृत प्रयत्न होता है। ठीक, अगर प्रश्न यूं पूछ ले ह्रस्व आकार के प्रयोग प्रक्रिया में कौन सा स्वर होता है, तब अ नहीं आएगा। क्या
केवल प्रयोग की अवस्था में ही इसका समृत स्वर होता है, बाकी कौन सा विवृत स्वर माना जाएगा। मान लो प्रश्न, अब देखो प्रयोग को प्रक्रिया क्या कहेंगे। प्रयोग देखो जैसे राम है, राम है बालक है। अब राम है, मैं अ है कि नहीं है, तो ये क्या हुआ प्रयोग कर रहे, इसका अ का प्रयोग कर रही है अपन, प्रक्रिया नहीं कर रही है। तो ऐसे ऐसे अ का क्या होगा समृद्ध स्वर होगा, मतलब जहां प्रयोग हो, केवल प्रयोग हो वहां समृद्ध स्वर। अब मान लो इसको मैं यूं कर दूं, विद्यालय प्लस आगच्छति। अब देखो यहां क्या है अ और इधर क्या है आ। अब इस अ का अब यहां प्रयोग नहीं उर कर रहे अपन, क्या कर रहे हैं प्रक्रिया कर रही है। कौन सी प्रक्रिया? संधि की प्रक्रिया। अब यहां इस अ का प्रयोग किसमें हो रहा है, इस अ का प्रयोग मतलब उपयोग प्रक्रिया में हो रहा है, ना कि प्रयोग में हो रहा है। तो ये वाला अ किसमें जाएगा विव्रत में, और इससे पहले जो राम है पाठ है बालक है कृष्ण है ये सारे क्या है इनमें अ आ रहा अंत में, ये क्या है क्या है समृद्ध स्वर। शायद वापस एक बार सुन लो, प्रयत्न किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चारण में किए गए प्रयास या यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। यत्न का अर्थ क्या होता है, प्रयास या प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद हैं, दो भेद हैं मुख्य रूप से दो, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न वे वर्ण जिनके उच्चारण करने से पहले जो प्रयास किए गए हैं उन्हें ही आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, पांच हैं। कौन कौन से हैं, पहला है स्पर्श, इस मतलब वर्णों स्पर्श, स्पर्श किसे कहेंगे, वर्णों के उच्चारण में जीवा जिस मुख के जिस अवयव को स्पर्श करती है उसे स्पर्श कहते हैं। अब काद्यो मय अवसान है, कैसे लेकर के मय तक के वर्ण क्या कहलाएंगे, स्पृष्ट व्यंजन। अगर इस तरह याद नहीं रख सको तो सीधा से याद रखो स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श व्यंजनों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। दूसरा था ईषद स्पृष्ट, इसमें क्या होता है कम स्पर्श करता है, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी ना किसी अवयव को कम स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श कहते हैं, ईषद स्पर्श कहते हैं। ईषद स्पर्श में क्या आता है, या तो यण से समझ सकते हो, समझो यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में क्या वर्ण आते हैं यल व, पर यण के हिसाब से चलेंगे तो क्या आएगा, इस तरह याद रखो य व ल, ठीक य र ल नहीं होता यण में, क्या होता है य व र ल, ठीक। फिर है इसको इस तरह समझ सकते हो ईषद स्पष्टम अंतस्था नाम, अंतस्थ व्यंजनों का प्रयत्न ईषद स्पष्ट होता है। तीसरा आता है ईषद विव्रत, ईषद विव्रत का अर्थ होता है विव्रत का अर्थ होता है खुलना, मतलब मुख खुलना। ईषद का अर्थ क्या होता है कम, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें ईषद स्पृष्ट ईषद सॉरी ईषद विव्रत कहते हैं। ईषद विव्रत में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तीनों तरह के से
ईशत विव्रतम ओष्माणा। फिर चौथा प्रयत्न है अपना विव्रतम। विव्रत में क्या आता है? माहेश्वर सूत्र, नहीं माहेश्वर सूत्र के नौ जैसे स्वर। माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी? नौ। ठीक, वैसे कितने हैं संस्कृत में? 13 स्वर है।